सरकारी फ्लैट अभी तक आवंटित हो चुके हैं, वहां जो रंग रोगन का काम है वो जोर शोर से चल रहा है। डीएम डिप्टी सीएम माफ कीजिएगा, इनके लिए चर्चा जोर शोर से की जा रही है बेबी रानी मौर्य के नाम की, और उन्हें ओसीआर बिल्डिंग में एक फ्लैट मिला है। वहीं से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 2022 का विधानसभा जीतकर अलग अलग क्षेत्रों से आए विधायकों का लखनऊ आना जारी है, और ऐसे में अब उनको सबसे पहले आवश्यकता है तो यहाँ रहने के ठिकाने की व्यवस्था है कि सभी विधायकों को यहाँ सरकारी आवास दिया जाता है। मैं इस वक्त ओसीआर बिल्डिंग में खड़ा हूँ, जहाँ की तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि नवागंतुक विधायकों के लिए जो तैयारियाँ हैं विधायक आवास में वो शुरू हो चुकी हैं। यहाँ आप देखेंगे कि अंदर पुताई का काम चल रहा है, और ये जो फ्लैट है ये समाजवादी पार्टी के विधायक को अलाट हुआ है, और रंग रोगन यहाँ लगातार जारी है। भीतर की ओर लेके चलूँगा आपको और दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ लगातार जो साफ़ सफाई है, जो फर्नीचर का काम है, वो सारा काम किया जा रहा है। और विधायक और उनके जो समर्थक हैं वो आकर के यहाँ देखते भी हैं, निरीक्षण भी करते हैं कि जो कामकाज है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं, कितने विधायकों को अब तक ओसीआर बिल्डिंग में आवास दे चुके हैं। अभी 18वीं विधानसभा गठित हुई है, जिसमें नए हमारे माननीय विधायक गण आ रहे हैं, तो उनके लिए करीबन 5 आवास अभी तक हम लोगों ने रेडी करके उनको कब्जा देने का काम किया है, और उससे कब्जा देने के पश्चात उनको फर्नीचर की साथ सज्जा की सामग्री की प्रोसेस चल रहा है। उनको विद इन 15 दिन में सब कंप्लीट करके सारे मकान दे दिए जाएंगे। ओसीआर बिल्डिंग में कुल कितने आवास हैं जिनमें विधायक रहते हैं? अभी वर्तमान में 20 विधायक रह रहे हैं और 24 विधायकों का आवंटन और हुआ है यहाँ पर। जी, कुछ प्रमुख नाम हमें बताइए जिनको आवास आवंटित किया गया हो। बेबी रानी मौर्य और शिवपाल यादव का नाम तो हमें पता है। जी 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 जी, उन दोनों लोगों को दिया जा रहा है, उसमें भी काम चल रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।